भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निगम पार्षद शैलेंद्र सिंह मोंटी और उनकी धर्म पत्नी रेणु सिंह ने दिल्ली में रहने वाली लगभग 350 महिलाओं को निःशुल्क काशी विश्वनाथ दर्शन का फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शैलेंद्र सिंह मोंटी के द्वारा निःशुल्क दर्शन की शुरुआत 9 सितंबर को कर दी गई है, जिसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 100 से अधिक महिलाओं को प्रथम चरण में काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना किया गया है। प्रथम चरण का शुभारम्भ नई दिल्ली जिले से भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसी स्वराज के द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं से उनका आशीर्वाद मांगकर उन्हें काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए रवाना किया। महिलाओं को निःशुल्क काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन का बेड़ा भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह मोंटी के द्वारा लिया गया है और इस दर्शन के लिए किसी भी महिला से कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी शैलेंद्र सिंह मोंटी और उनकी धर्मपत्नी रेणु सिंह हजारों महिलाओं को अयोध्या, वैष्णो देवी, वृंदावन, हरिद्वार, गोवर्धन, सलसाराम एवं खाटू श्याम दर्शन के लिए भेज चुकी हैं। 9 सितंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए महिलाओं को भेजा गया। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी में 11 सितंबर को, तीसरी चरण में 13 सितंबर को शुरू किया जाएगा और इससे पूरे दर्शन में लगभग 350 महिलाओं को दर्शन कराएंगे। आपको बता दें कि दर्शनार्थी महिलाओं के लिए तमाम सुविधाओं की भी गई हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को VVIP दर्शन की व्यवस्था, उनके रहने खाने विश्राम करने के तमाम व्यवस्था भाजपा के पूर्व निगम पार्षद शैलेंद्र सिंह मोंटी और उनकी धर्मपत्नी रेणु सिंह के द्वारा किए गए हैं। और आपको अब दिखाते हैं कि किस तरीके से महिलाएं यहां पर देखिए जो है कितना खुश हैं, क्योंकि खुद उनके बीच में जो है नई दिल्ली की सांसद जो है बांसुरी स्वराज भी यहां पर पहुंची। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर उनको विदा कर रही हैं, क्योंकि ये सभी लोग जो है दर्शन के लिए जा रहे हैं काशी विश्वनाथ। और देखिए खुद यहां पर खुद शैलेंद्र सिंह मोंटी जो कि पूर्व निगम पार्षद हैं, वो उनकी धर्मपत्नी और जो नई दिल्ली की सांसद हैं बांसुरी स्वराज यहाँ पर मौजूद हैं। पहले रेलवे स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर देखिए किस तरीके से सबका अभिवादन किया गया। उसका ट्रेनों में जाकर भी सबको यहाँ पर देखिए जो माला पहनाकर जो है यहाँ से विदा किया गया कि ये लोग सौखुशल जो है वहाँ पर दर्शन करके यहाँ वापसी लौटें। और क्या कहा इस पूरे जिस तरीके से जो दर्शन की जो पूरी ट्रेन जो है निकाली गई है तीर्थ यात्रा की, उस पर क्या कहा यहाँ के निगम पार्षद ने और जिस तरीके से पूर्व निगम पार्षद जो है शैलेंद्र सिंह मोंटी क्या कहते हैं, साथ ही नई दिल्ली की सांसद क्या कहती हैं, आइए वो हम आपको सुनाते हैं। और साथ ही साथ जो तीर्थ यात्रा पे जो महिलाएं जा रही हैं वो कितना खुश हैं इस आयोजन से और जिस तरीके का ये आयोजन जो है किया गया, जिससे कि विशेष ट्रेन में जो इन सभी लोगों को भेजा जा रहा उसको लेकर ये लोग क्या कह रहे हैं, आइए वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए भाजपा के संगठन में सेवा का भाव नहीं, क्योंकि भाजपा का तो मोटो है कि संगठन सर्वोपरि और सेवा परमो धर्म, यानी सेवा ही हमारा परम धर्म है। मैं आभार और अभिनंदन करती हूँ भाई शैलेंद्र मोंटी जी का, उनकी धर्मपत्नी रेणु मोंटी जी का, कि आज उन्होंने यहाँ देश की मातृशक्ति के दर्शन सुगम करे हैं। यहाँ पर एक पूरा जत्था जा रहा है आज महिलाओं का, जो बाबा काशी विश्वेश्वर के दर्शन करने के लिए वाराणसी जा रहा है। मैं इनको इस यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और मेरा आभार अभिनंदन और शुभकामनाएं शैलेंद्र मोंटी जी और रेणु मोंटी जी के लिए कि इसी तरह वो सनातन संस्कृति के लिए काम करते रहें, महिलाओं के लिए काम करते रहें और संगठन के लिए काम करते रहें और जन कल्याण के लिए सेवा में समर्पित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं जा रही है जी, यहाँ पर 350 महिलाओं का जत्था जा रहा है आज, और पिछली बार आप लोगों ने अयोध्या भेजा था, इस बार जो है मातृशक्ति जा रही है काशी विश्वेश्वर के दर्शन करने के लिए। नमः पार्वती पतया हर हर महादेव। टूर होगा मैडम, ये कितने दिन का टूर होगा? जी 3 दिन का टूर है और मैंने खास अर्जी लगाई है रेणु जी के साथ कि भाई मेरे देश की मातृशक्ति को दर्शन तो करवा ही दिए, लेकिन वहाँ क्या खान पान और खास करके चाट पकौड़ी जरूर खिलाई जाए। भेजा जा रहा है मोंटी जी की ओर से, क्या कुछ कहेंगे? उनका अभिनंदन करूंगी और जैसे मैंने कहा ये सेवा परमो धर्मों का ही अंग है और इसी तरह संगठन के कार्य के लिए, जन कल्याण के कार्य के लिए वो इसी तरह समर्पित रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। देखिए जी ये प्रभु का आशीर्वाद है, माध्यम हम बनते हैं, प्रभु भेज रहा है सबको। और अभी श्याम भाई ने बहुत ही विस्तृत जानकारी आपको दी है कि एक एक सुविधा, महिलाओं को घर से लेकर चलने की सुविधा से लेकर वहाँ भी जब रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, वो सीधा इनको जहाँ धर्मशाला में रुकेंगे वहाँ ले जा रहे हैं, उतरते ही नाश्ते का इंतज़ाम है। और यहाँ भी ट्रेन में जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि ट्रेन में बैठते ही
पानी है, जूस है, रास्ते में ढोल मजीरे हैं कि महिलाएं अपने कीर्तन करती जाएंगी। और प्रभु ने एक हमारा सपना था कि काशी विश्वनाथ, अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ के भी हमारे क्षेत्र की महिलाओं को दर्शन कराएं, क्योंकि पुरुष और परिवार के साथ तो लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं, महिलाएं घर से नहीं निकल पाती। और ये केवल महिलाओं का टूर है, इस ट्रेन में मैं भी नहीं जा रहा। और जैसा भी श्याम जी ने बताया कि अगली बार हम इकट्ठे जाएंगे, इस बार रेनू साथ जा रही हैं, केवल महिलाओं का ये टूर है। और सभी स्वास्थ्य अच्छी तरह से बढ़िया दर्शन करके आएँ और घर तक लाने की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। हमने एक एक पॉइंट का कार्ड पे एक एक नंबर दिया हुआ है, कोई महिला इधर से उधर छूट ना जाए, कौन से स्टेशन पे वहाँ भी पहुँचना है, किस समय पे कोई दिक्कत आ जाए, क्या फ़ोन नंबर है, और एक एक जानकारी मंदिर में हमें क्या ले जाना है दर्शन के समय, क्या नहीं ले जाना, वो तक जानकारी सभी को दी। और बिल्कुल हर पॉइंट पे गर्मा गर्म बढ़िया खाना, पूरी सुविधाएं यहाँ पर। देखे नई दिल्ली के सांसद बांसुरी स्वराज खुद आई थी, वो हरी झंडी भी दिखाई। बिल्कुल आई थी। देखिए जी, बांसुरी जी हमारी उम्र में हमारी छोटी बहन है, लेकिन हमारी सांसद हैं और उनके साथ हमारी मातृ समान हमारी पूर्व सुषमा जी, जिनका मतलब हम अपने मुँह से नाम लेने में भी, हम बहुत छोटे हैं उनका नाम लेने में भी, अभी भी रेलवे स्टेशन पर हम जहाँ भी उनको अभी छोड़ कर आए हैं, चार पांच लोग ऐसे मिले जो सुषमा जी का, माँ जी का नाम लेकर उनसे मिले हैं, उनको पहचाना है और आशीर्वाद दिया है। उन्होंने सभी महिलाओं के साथ एक घंटा यहाँ बिताया और बहुत ही खुश होकर आशीर्वाद भी दिया है एक MP के रूप में, और अपना नंबर भी सबको शेयर कराया कि आधी रात को कोई दिक्कत हो जाए तो मैं आपके लिए बैठी हूँ। कितनी महिलाओं को आप भेज रहे हैं और ये कितने दिन का ट्रिप होगा? देखिए 350 महिलाएं हैं और इसमें 3 दिन का ट्रिप है। भैया मैं इसको जिम्मेदारी ना मानते हुए मैं ये कहूँगी कि मेरे मोदी जी की आशीर्वाद हमारे साथ है और मोदी जी की लोकसभा में हम जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी काशी देखने जा रहे हैं जिसका रूप ही बदला हुआ है। हम भोले बाबा के आशीर्वाद के साथ साथ मोदी जी की लोकसभा को भी देखने जा रहे हैं, वहाँ के बहन भाइयों का आशीर्वाद और प्यार हमें मिलेगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। सभी बहनें हम बहुत 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 उत्साहित हैं कि हम आज काशी जी जा रहे हैं, वो भी गणपति के दिनों में। गणेश जी आए हुए सबके घरों में और गणेश जी के मम्मी पापा से मिलने हम जा रहे हैं, तो सभी बहनें बहुत बहुत उत्साहित हैं। बोलिए हर